खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। दुनिया भर में ईद का जश्न मनाया गया, पर पड़ोसी देश पाकिस्तान में ईद पर महंगाई की मार रही। महंगाई से वहां का हाल बेहाल रहा। निम्न वर्ग लोग पाई पाई को तरस रहे हैं। ईद के मौके पर भी आटे के लिए लंबी कतारें लग रही और घी का भाव सातवें आसमान पर पहुंच गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में अब तक की सबसे उच्च महंगाई दर है। वहां तीन महीने में महंगाई का ग्राफ 103% बढ़ा है, जिसके चलते पाकिस्तान में महंगाई का दर 48% के पार पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पाकिस्तान में व्याप्त महंगाई को लेकर चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने कहा, पाकिस्तान ईद मनाए भी तो कैसे, वहां की हुकूमत ने मुल्क को इस लायक छोड़ा ही नहीं, महंगाई ने वहां 75 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनटीवी टाइम। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।